नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड नंबर 14 ऑफ द गुरुकुल पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक ई बुक है जो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम देखने वाले हैं हाउ टू गेट अ न्यू पर्सनालिटी के बारे में, कि आशीष ने ये पूरा का पूरा प्रोग्राम अब कर लिया है, 7 दिन हो गए, क्या उसको एक नई पर्सनालिटी मिली है, क्या उसका बात करने का ढंग बदला है, क्या उसका चलने का ढंग बदला है। मैं चाहता हूँ आप खुद कंपेयर करें उसे फ्रॉम day 7 to day 1। day 1 विजुअलाइजेशन के दिन जब वो आया था, वो किस तरह बात करता था, कितना कॉन्फिडेंट था, कितना हकला रहा था, कितना स्टैमर कर रहा था। और मैं चाहता हूँ अब जो day 7 है उसमें आप देखें कि क्या उसकी पर्सनैलिटी में चेंज आया है। तब हमें पता चलेगा कि इंटरनली उसकी काबिलियत बदली है कि नहीं बदली है, क्योंकि गुरुकुल का जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम हमारा है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो फोकस करता है इंटरनल एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और आप लोग खुद से जज करिए आशीष की पर्सनालिटी कैसी है। और जिन लोगों ने एक्सरसाइज करी है रियलाइजेशन वाली, आई रियली होप आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें इस एपिसोड के नीचे। लेट्स वॉच द एपिसोड। हेलो, अब जा रहा हूं ऑफिस। कैसा है मेरे भाई? ठीक हो सर? खत्म? हाँ। प्रोग्राम? हाँ। अरे चल, वील वॉक अराउंड अ लिटिल बिट। बहुत स्पोर्टी फीलिंग आ रही है, पर अपन अपन स्पोर्टी आउटफिट में नहीं है ना, करना है कुछ ट्रेनिंग के पड़ गई है प्रोग्राम। अभी अभी हवा निकल गई मेरी। कल था day 7? यस। आखिरी? हाँ। और रियलाइजेशन एक्सरसाइज थी ना? कैसे गई? क्या प्रोसेस यूज़ किया? दिमाग कैसे यूज़ किया? कैसे किया वो? ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं गया, जस्ट मेरा दिन खत्म होने वाला था, बेड पे गया, मतलब मन को, पहले मन को शांत किया, मतलब एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को भी ज़रा दूर किया, बंद किया, मोबाइल ऑफ किया, साइड में रख दिया और जस्ट एक जगह पे बैठ गए, जस्ट टू फोकस ऑन माय माइंड, मतलब जस्ट फोकस करना मेरे दिमाग, मतलब जो भी मैंने सोच, मतलब जो भी रियलाइजेशन करना था मुझे, जस्ट मतलब उस पर पूरा फोकस किया मैंने। मतलब थ्रू आउट द प्रोग्राम मैंने क्या क्या सीखा, मतलब एज जब मैंने विजुअलाइजेशन के टाइम पे जो सोचा था वैसा हुआ क्या नहीं हुआ, वो पूरा मैंने एज अ कंपेरिजन किया मैंने, कि मतलब उसमें क्या क्या गलती भी की थ्रू आउट, मतलब कुछ इसमें उससे और ज़्यादा परफॉर्म भी कर सकता था, मतलब कुछ करने के समय, तो वो सब रिवाइज होना लगा था रियलाइजेशन के टाइम पे। आपसे कुछ बात भी कर रहा हो तो उसमें और कुछ भी जान डालने जैसे और कुछ भी बात कर सकता था, वो भी मतलब दिमाग में आ रहा था। तेरे 7 दिन का प्रोग्राम तो हो चुका है खत्म, ठीक है, एक्सरसाइज तूने जो करनी थी वो तूने करी, कुछ अच्छी गई, एक दो ठीक नहीं गई, एक दो में फटी, जैसे फास्टिंग वाले में। फास्टिंग के अगले दिन तेरे को कैसा लगा था? जब पहले दिन फास्ट नहीं, सबसे कुछ नहीं खाया था ना तूने? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं खाया, मतलब सोते समय भी कुछ नहीं खाया, मतलब वही, मतलब जब मेरा खाने का मन हो रहा था क्या, खुद से बात की, अगर तू अभी इसको कुछ खा के खुद को चीट करेगा तो स्टार्ट करने की जरूरत भी नहीं थी और इतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं, मतलब स्टार्ट किया तो खत्म भी करना है, वो हमने मोमेंटम के टाइम पे ही सीख लिया था। क्या तेरे को लगता है कि इस प्रोग्राम के थ्रू तेरी पर्सनालिटी में कुछ फर्क आया? यस, अभी मतलब हाँ, मेंटली भी और सोशली भी। अच्छा, हाँ, तो फॉर एग्जांपल क्या, मतलब ऐसे कैसे तेरी पर्सनालिटी चेंज हुई है कि पहले मेंटली बोले तो खुद के साथ बात करने का, मतलब अच्छा। खुद के साथ में जब अब रहता हूँ तो एज अ विक्टर मेंटेलिटी के साथ रहता हूँ, नॉट की विक्टिम, मतलब खुद को किसी पास्ट की वजह से दोष नहीं दे सकता मैं अभी, ठीक है। अभी खुद को मतलब एज अ पॉजिटिव वे में कुछ करना है तो, मतलब जब अपन विजुअलाइज करते तो कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए ही करना है, करेक्ट, ना कि कुछ पास्ट का लेके डिप्रेस होके बैठना है। अब वैसा कुछ वापस जाने के लिए मन कर रहा है कि नहीं कर रहा? मेरा भी ऐसा हो गया कि मैं मतलब वो सारी चीज़ें पीछे छोड़ के आया हूँ, नया इंसान बनते जा रहा हूँ, तो वहाँ पे जाने का मन नहीं कर रहा, पर अभी कैसी फैमिली उधर है तो जाना ही पड़ेगा एग्जाम के, अकेले रह के भी मुझे मजा आ रहा है। तेरा गुरुकुल का फीडबैक क्या है, क्या मैं इस प्रोग्राम को और अच्छा बना सकता हूँ? नहीं 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 नहीं, आपने आपके हिसाब से पूरा पर्टिकुलरली आपके परफेक्ट काम किया है, जब आप जो परफॉर्म करेगा वो उसके लिए, वो कैसे करेगा, किस मन से करेगा, एक्सपेक्टेशन के साथ करेगा या फिर खुले दिल के साथ करेगा, वो उस पर है। आपने हथियार दे दिया, वो कैसा चलाएंगे वो उसके बस में। अभी थ्रू आउट द प्रोग्राम मैंने अनगिनत चीज़ें सीखी, मतलब कैसे, मतलब ऐसी बताने जाओ तो लिस्ट भी बहुत बड़ी है। पहली चीज़ तो अभी अकेले रहने से डर तो नहीं लगता, हाँ, मतलब लोगों से बात करते समय, जब प्रोग्राम अपना जब गिविंग का डे थ्री था गिविंग, तो उस समय जब स्टार्टिंग हुई थी ना, तो एंग्जाइटी की वजह से मुझे
ऐसा लगा कि बात बिगड़ने तो वाली है, मतलब जो ओवर थिंकिंग की प्रोसेस थी वो स्टार्ट होना स्टार्ट हो गई। मतलब कुछ भी हो सकता है, मुझे भी पता नहीं जब कन्वर्सेशन ठीक जाए ना जाए, मतलब हाँ। पर जब मैं इंस्ट्रक्शन के बाद जब करने को जाने वाला था, वो थ्रू आउट टाइम के अंदर मैंने ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं की, मतलब प्रोसेस जो होना है वो हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा सोचा भी नहीं। जब कुछ समय बाद जब प्रोग्राम अपने एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाले थे, तब मेरी फटनी स्टार्ट हो गई। मतलब तब अपन को रियलाइज़ होता कि प्रैक्टिकली वो चीज़ कितना अपने खुद पे डिपेंड है, ना कि थ्योरेटिकल नॉलेज पे। तब वो सीखा, वो डिफ्रेंशिएट करना सीख गया। मतलब ठीक है, मैं कुछ भी पढ़ूँ या कुछ भी करूँ, तब मुझे उससे कॉन्फिडेंस में बूस्टअप मिलता है तो ठीक है, तो जब प्रैक्टिकली करेंगे तो उसका एक्सपीरियंस और अलग होगा और अलग आउटपुट्स होंगे। वो सब मैंने इसमें सीख लिया। सबसे फेवरेट दिन कौन सा था तेरा? फेवरेट दिन तो वही था जब मैं लोगों से इंटरेक्शन कर रहा था। फटी तो थी, मतलब फटी नहीं तो मज़ा कैसे आएगा। मतलब पूरे प्रोग्राम में अगर मेरी फटी नहीं तो मुझे ऐसा करेगा क्या, ऐसे कर लगेगा ही नहीं कि मैंने अपनी लिमिट्स पुश की। अब से तेरे को अपनी फाड़ना पसंद आता है ना? हाँ, मेरे को डंडा देना वो जो बम्बू में लगा सकूँ मैं है। लेकिन नहीं, ठीक है, बढ़िया है। अब तो मेरे को ये बताओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है, जब भी ये वीडियोज निकलेंगे, इनमें से एक भी लड़का, चाहे हजार लोग देखे, हजार लोग देखे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, उन हजार में से कितने बंदे फॉलो करें मेरे को उससे फर्क पड़ता है। तो अगर सोच ले वो हजार में से सिर्फ 100 बंदे हैं, समझ ले, जो डे एंड नाइट फॉलो कर रहे हैं जो अपन ने करना है, भाई सच मेरी भाग गाता मेरे ले ही आया तू है। मैं क्या कह रहा था कि जो 100 बंदे एक्चुअली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उनको तेरा क्या मैसेज है? हाँ, पहली तो चीज मैं ये बताना चाहूंगा, पहला गुरुकुल स्टूडेंट, मतलब पहले तो ये गुरुकुल मेरा वो मेरे थ्रू ही गया। मतलब मैं परफॉर्म स्टार्टिंग को परफॉर्म करके एज अ वेरिफिकेशन मेरे से हुआ है वो। Correct. कैसा, मतलब कैसा डिफिकल्टी लेवल क्या है, मतलब और मैं कैसा परफॉर्म किया, उससे भी अब लोग देखेंगे और कर मतलब उनको भी लगेगा अपन कर सकते हैं या नहीं। मैं भी उनकी तरह एवरेज ही हूँ। अब मैं कर सकता हूँ तो वो भी कर सकते हैं। बट फर्क बस इतना है कि वो किस मेंटेलिटी से करेंगे। अगर कुछ पाने के लिए करेंगे तो मुझे लगता है कि वो एक्सपेक्टेशन के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा उनको। मतलब करते हैं तो वो खुद के लिए करना है, ना कि कुछ पाने के लिए करना है। जब खुद के लिए करोगे तो आई थिंक एक इनर सेल्फ बिल्ड होगा। जब अकेले, मतलब जो भी आप ना स्टेप्स लोगे करने के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल अब कुछ की चीज़ों में मैंने रनिंग ली थी, वो कुछ और भी ले सकते हैं ना, वो मतलब एज अ रिप्लेस कर सकते हैं ना वो एक्टिविटीज़ को। मैंने जो किया वही रिपीटेड करने की तो ज़रूरत नहीं ना उनको। हाँ, तो वो अलग भी कर सकते हैं। हर बंदा अपने स्टाइल से करने वाला है, जब भी एक्सरसाइजें निकलेंगी। हाँ, तो ठीक है, तूने बताया कि जिस मेंटालिटी से करें उस पे फर्क पड़ता है, लेकिन मेरे को ये बता कि तूने किस मेंटालिटी से किया, वो शेयर कर इनके साथ। हाँ, स्टार्टिंग में मैं जब आया तो मुझे तो लगा कुछ तो भी फैंसी अलग ही प्रोग्राम होगा। मतलब यहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे, कुछ तो भी जस्ट ऐसा मेकओवर जैसा ऐसा कुछ तो भी प्रोग्राम होगा। मेकओवर मतलब, हाँ, मतलब फुल ऑन आइडिया तो नहीं था ना। मैं भी बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ आया कि ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो। हाँ, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आता है, ऐसा होता है। मतलब मुझे लगा, पर इससे मेरा जो अंदर की जो पीस होता है वो मुझे मिलता नहीं, क्योंकि ये मैं जो सोच रहा था वो एक्सटर्नल चीज़ों के लिए सोच रहा था कि ना कि इंटरनल। और इंटरनली बिल्डअप करने के लिए भी कोई प्रोग्राम होता है, ये यहाँ आके ही मुझे पता चला। मैंने भी एक्चुअली कभी ऐसी कोई चीज़ पहले हिंदी में तो बनाई नहीं है। मेरे जो प्रोग्राम्स वगैरह थे इंग्लिश में थे, हिंदी में से ज़्यादा जो हमारे फ्रेंड जोन वाले कोर्सेज हैं, तूने देखे हुए हैं? हाँ। तूने खरीदे हुए हैं? खरीदे हुए। पार्ट वन, पार्ट दिखा भी सकता। हाँ, फिर दोनों। अभी प्लान क्या है वापस जाके क्या करेगा? सबसे पहले तो मैं जो सीखा है ना उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करूँगा। मतलब अभी वो तो सोचने से स्टार्ट हो जाएगा ना। मतलब एक टैगलाइन ही बना के सकी मैंने। जब मतलब सोचना भी, मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर स्टेप जैसे सोचा किया पर बीच में रुकना नहीं, मतलब वो रुकना भी नहीं है, उसको कंप्लीट करना है और जस्ट उसका रियलाइजेशन लेना है और उससे कुछ सीखे आगे बढ़ना। एक पर्टिकुलर मतलब एक लाइन ही करे कि इस हिसाब से वो प्रोग्राम मुझे फॉलो करना। तूने जो एक चीज़ मेरे को बोली थी ना ऑन वन ऑफ द डेज, जब मैं तुझसे पूछ रहा था कि पिछले दिन की एक्सरसाइज कैसे की, तूने मेरे को बोला था कि मेरे को लगा मैं खुद ही खुद से मिल गया। हाँ हाँ, वो जो प्रोसेस है ना, अब जब शुरू हो गया है वो रुकेगा नहीं। तूने पहली बार समझ ले अपनी आत्मा के साथ बैठ के बातें कर ली है, क्योंकि तूने अकेलेपन में ऐसी स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट करनी सीखी है जो तूने आज तक तेरे को पता नहीं था शायद तेरे पास हो, कि तू दिन भर फास्ट कर सके,
रैंडम लोगों से जाके बात कर सके, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो अंदर देखने का प्रोसेस तेरा शुरू हो गया, खुद ही खुद से मिलने का प्रोसेस शुरू हो गया है। अब जब दोबारा ये साइकिल कंप्लीट होगी, एक और बार जब तू ऐसा प्रोग्राम करेगा या तो इसी चीज़ को अब बाकी एरियाज में लगाएगा, तो वो और गहरा और गहरा और गहरा जाता रहेगा और तू अपने आप से और मिलता जाएगा कि मैं असली में हूँ कौन। ये प्रोग्राम की एक अच्छी बात भी क्या है कि इस प्रोग्राम में ना पर्टिकुलर गोल्स और ऑब्जेक्टिव बताए नहीं गए, मतलब कैसे कि अब ये प्रोग्राम करने के बाद आपको ये मिलेगा, करेक्ट, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, करेक्ट, एक पर्टिकुलर लिमिट तो सेट नहीं की हुई, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, और वो ही अच्छी चीज़ है कि अपन जितना ढसते जाएंगे उतना अच्छा अपने को अपने को आउटपुट मिलता ही जाएगा, एक लिमिट के हिसाब से अपन स्टॉप नहीं होंगे। मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता सालों को कुछ मिले या ना मिले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इतना समझ गया हूँ कि जब भी मैं कुछ करने के लिए निकला था, जब मेरे को कुछ चाहिए था ना उसमें से दर्द तभी होता है क्योंकि मैं एक चीज़ के लिए वो कर रहा हूँ और वो चीज़ जब तक मेरे को मिलेगी नहीं तब तक मेरी संतुष्टि हो नहीं रही थी। जब से मैंने सिर्फ करने के लिए किया तब से, जैसे अभी मैं तेरे साथ बैठा हूँ, आज मेरी हालत इतनी ठीक नहीं है लेकिन कम से कम मैं अगर तेरे साथ बैठा हूँ मेरे मन में और कोई चीज़ नहीं है अभी क्योंकि मैं यहाँ पर फुल्ली प्रेजेंट हूँ, और वो इसलिए क्योंकि जो भी मैं चीज़ करूँगा उसी में मैं डुबा सकता हूँ खुद को, जो वैसे लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमेशा लोगों के मन में कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में चलता रहता है किसी ना किसी चीज़ के बारे में। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, फर्स्ट ऑफ ऑल आशीष थैंक यू, तू आया यहाँ पे ये सब किया, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए ना सर। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बेसिकली क्या है कि आसान नहीं था ये मुझे ही पता, ठीक है, ये आसान चीज़ नहीं थी, तूने करी है तो तूने काफ़ी ज़्यादा विल पावर दिखाई है क्योंकि पहली बार बंदा दिन में भागे कंटिन्यूसली, पहली बार बंदा दिन भर फास्टिंग करे, जिसको आदत नहीं है उसके लिए ये सब करना मुश्किल है, लेकिन कम से कम तूने और तेरे थ्रू जो अपने बाकी व्यूअर्स होंगे वो कम से कम समझ पाएंगे कि काबिलियत है उनके अंदर, उन्होंने अभी तक अपने आप को टेस्ट नहीं किया और वो टेस्ट से ही भागते रहते हैं, आता है टेस्ट अलग अलग रूपों में आता है लेकिन लोग वो चांस उठाते नहीं है, है ना, तो कम से कम तूने ये दिखा दिया है कि विल पावर से ही आधे से आधा जीत बंदा जीत जाता है और दिमाग के अंदर अगर इमेजिन कर लिया कि हाँ मैं ये सारी चीज़ें करने वाला हूँ तो चाहे वो एक दिन में ना हो, दो दिन लगे, तीन दिन लगे, कभी ना कभी तो हो जाएंगी ना, सबसे पहले तो मन में होना ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी सीख ही इस प्रोग्राम की वो थी डे वन वर्सेस डे सेवन, इसलिए आखिरी दिन रियलाइजेशन था, पहला दिन विजुअलाइजेशन था, एक में तुम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हो, एक में तुम पास्ट को एनालाइज कर रहे हो कि ठीक है ऐसे 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 मैं अगले सात दिन करूँगा, यहाँ पे तो तुमने देखा कि मैंने पिछले सात दिनों में कैसे किया है, अब तेरे को पता चलेगा कि तेरी माइंड की एक्चुअल मेंटल विल पावर कितनी है कि मैंने ये सोचा था और मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। तो गाइज आपने देखा कि आशीष ने एक्सरसाइज करी और आशीष का रियलाइजेशन कितना कितना अलग अलग चीज़ों में हुआ, हमने पूरा एपिसोड आपको दिखाया। मैं जानना चाहता हूँ आपकी कौन सी सबसे फेवरेट एक्सरसाइज थी पूरे के पूरे गुरुकुल के प्रोग्राम में, क्योंकि मैं जानता हूँ अगली बार जब मैं बना रहा हूँ मैं इस प्रोग्राम को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से बना सकूँ, और अगर मैंने दोबारा ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया और अगर आप चाहते हो उसमें हिस्सा बनना तो नीचे जो पहला लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करिए, अपना ईमेल वहाँ पर एंटर करिए ताकि आगे के लिए आपको भी चांस हो जीतने का कि आप में से कोई आके यहाँ पर मेरे साथ पूरा प्रोग्राम कर सके। बाकी आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई हो, हमें बहुत मजा आया ये पूरी सीरीज बनाने के लिए, और थैंक्स टू आशीष आल्सो जो औरंगाबाद से छोड़ के 10 दिन निकाल के आया हमारे साथ अपनी वाट लगवाने के लिए, तो अच्छा लगा, लेकिन आई होप आप लोगों को भी ये सीरीज पसंद आई, एंड बाकी मिलेंगे अगली बार अगली यूट्यूब वीडियो में, सी यू।